तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सेविंग या करंट अकाउंट है एसबीआई में, तो सेविंग या करंट अकाउंट में आप नॉमिनेशन कैसे डालेंगे। तो चलिए पहले लॉगिन कर लेते हैं एसबीआई को। लॉगिन करने के बाद देखिए माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल ऑप्शन है, ठीक है, और आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको सामने दिखेंगे। तो आपको जाना है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज़ में। यहाँ देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर, यहाँ देखिए मोर बटन है, इस मोर को आप क्लिक करेंगे। और जब आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपको सामने खुल जाएंगे। और यहाँ देखिए ऑनलाइन नॉमिनेशन, बहुत ही आसान था दोस्तों, ऑनलाइन नॉमिनेशन क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए भाई बोल भी रहा है कि इंडिविजुअल है, तो आप ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं, जैसे रजिस्टर, इंक्वायर, कैंसिल, अप्रूव नॉमिनेशन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पर रजिस्टर नॉमिनेशन आपको क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन जो है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट को दिखाएंगे, अकाउंट भी सामने आएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन दबाना है कि इसी का मुझे नॉमिनेशन करना है। और देखिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये पूरा फॉर्म खुल गया नॉमिनेशन का, जिसमें नॉमिनेशन का नाम है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है, उसका पता है, आपका और नॉमिनी से क्या रिलेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर नॉमिनी कोई बच्चा है तो बच्चे का नाम वगैरह डाल रहे हैं आप, ठीक है, 18 साल से कम उम्र का है, तो आपको गार्जियन का नाम, गार्जियन का एड्रेस ये सारा डालना पड़ेगा। तो चलिए हम सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देते हैं नॉमिनी की, क्योंकि नॉमिनी यहाँ पे हमारे कैसे मेजर है, तो हम नॉमिनी का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर देते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। देखिए इसके बाद जो है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको टिक करना होगा। यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद देखिए यहाँ सबमिट बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए। और यहाँ देखिए आपका फिर से वही इन्फॉर्मेशन आपको सामने आएगा कि आपने ये चीज़ें भरी है, क्या सब कुछ सही है, अगर हाँ तो फिर वापस सबमिट आप कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर OTP आएगा, ठीक है, OTP आपके मोबाइल पर आएगा। तो यहाँ पर OTP डालने के बाद अब आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, चलिए कर देते हैं। और यहाँ देखिए OTP डालने के बाद जैसे मैंने कंफर्म किया और कितना आसान था, नॉमिनी का रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। इसका मतलब ये है कि अब आपका नॉमिनी जो है पूरा कंप्लीट आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है। देखा आपने SBI ने कितना आसान बना दिया है, चाहे नॉमिनी हो चाहे कोई सी प्रोसेस हो। तो अगर ऐसी आपको वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ऐसी ही SBI से जुड़ी या किसी और बैंक से जुड़ी हुई वीडियो और बना के दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर से आपसे मिलूंगा, ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।